मैं पिछले 18 सालों से डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस दौरान मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो स्किन केयर रूटीन में फेशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। फेशियल ऑयल्स आपकी स्किन को नरिश भी करते हैं, हाइड्रेट भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं और सही तरीके से यूज करने पर आपको एक ग्लास ग्लोइंग स्किन भी दे सकते हैं। आज हम ऐसे 2 ऑयल्स आपको बताएंगे जो आपकी स्किन को बदलने में आपकी काफी मदद करने वाले हैं और ऑल काइंड ऑफ स्किन को वो सूट करेंगे। ज्यादातर लोग ऑयल यूज करने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए उनको ऑयल से प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑयल्स को कैसे लगाएं, उनका क्या है सही तरीका, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी एडवांस्ड टिप भी देने वाला हूं जो ऑयल आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। ऑयल्स 3 कैटेगरी में हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज एसेंशियल ऑयल, 2 इज प्लांट ऑयल, 3 इज सिंथेटिक ऑयल। एसेंशियल ऑयल्स में लेवेंडर ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सिट्रस ऑयल, ये सारे ऑयल्स आते हैं। दे शुड नॉट बी यूज डायरेक्टली ऑन द स्किन, इनको हम डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? बिकॉज दे नीड अ कैरियर मॉलिक्यूल, इसके साथ एक कैरियर की जरूरत होती है, या फिर दे नीड अ डाइल्यूएंट, उनको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए। देन ओनली दे आर मेनली मेंट टू मिक्स्ड विद समथिंग एंड देन टू बी अप्लाइड। सेकेंड कैटेगरी जो ऑयल है वो है प्लांट ऑयल, आप उनको डायरेक्टली फेस पर यूज कर सकते हैं। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिंस, आपके स्किन को नरिश भी करेंगे, हाइड्रेट भी करेंगे। थर्ड कैटेगरी सिंथेटिक ऑयल, उसमें आते हैं मिनरल ऑयल और साथ में पेट्रोलियम जेली, उनको भी आप फेस पे नहीं लगाना है। तो जो हम लगा सकते हैं वो है प्लांट ऑयल। प्लांट ऑयल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं रोज हिप सीड ऑयल, हेम्प सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, स्क्वालेन। दीज आर सम गुड ऑयल्स दैट यू कैन यूज ऑन योर फेस। पहले आपका जानना ये जरूरी है कि हम कुछ गलतियां ना कर दें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से हमें ऑयल सूट ना करे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1, ऑयल इज नॉट अ मॉइस्चराइजर। ऑयल को आप मॉइस्चराइजर ना समझें, ऑयल को मॉइस्चराइजर के साथ लगाएं। देखिए, एक जो मॉइस्चराइजर होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है ह्यूमेक्टेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है इमोलिएंट। ह्यूमेक्टेंट होता है जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, वो रियल मॉइस्चर स्किन में देता है। स्किन के अंदर जब मॉइस्चर हो जाएगा तो इमोलिएंट का काम होता है एक लेयर बना देना कि जिससे वो मॉइस्चर अंदर ही लॉक हो जाए। बट जो ऑयल्स हैं वो हमारे सिर्फ इमोलिएंट्स हैं, वो सिर्फ एक लेयर बना देते हैं, जो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर है उसे अंदर ही लॉक कर देते हैं, इसलिए यू फील मोर हाइड्रेटेड। बट अंदर अगर हाइड्रेशन ही नहीं है तो फिर लॉक किसे करें? इसलिए ऑयल इज नॉट अ मॉइस्चराइजर, इट हैज टू बी यूज्ड आफ्टर मॉइस्चराइजेशन और आफ्टर वॉशिंग योर स्किन, जब स्किन थोड़ी सी डैम्प होती है। पॉइंट नंबर 2, नेवर यूज टू मच ऑफ ऑयल। पीपल यूज प्लेंटी ऑफ ऑयल, आपको ऑयल की मात्रा बहुत कम रखनी है, गिन करके 2 ड्रॉप्स आर क्वाइट सफिशियंट फॉर योर फुल फेस। डू नॉट अप्लाई ऑयल इन द डे टाइम, आप अगर डे टाइम में यूज करते हैं तो सनस्क्रीन का प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ पाएगा, वो उसके साथ इंटरैक्ट करेगी, या फिर आप फीमेल्स हैं तो फिर मेकअप करेंगे तो वो भी उसमें इंटरैक्ट करेगा, या फिर जो डस्ट और पॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा उससे स्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर अप्लाई ऑयल ऑन द ड्राई स्किन, आपको पहले मॉइस्चराइज करना है स्किन को, देन यू नीड टू अप्लाई ऑयल ओवर इट। या फिर सबसे अच्छा तरीका, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चराइजर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, मिक्स एंड देन अप्लाई इट फुल फेस, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं इज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑयल। तो हम सीधा उसी पर आ जाते हैं कि कौन कौन से 2 ऑयल्स हैं जो आप लोग फ्रीली यूज कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट ऑयल है दैट इज रोज हिप सीड ऑयल, इट्स अ वेरी गुड ऑयल, इट्स नॉन ग्रीसी एंड वेरी गुड फ्रेग्रेंस इज देयर एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट ऑयल। एनीवन विद एनी स्किन टाइप कैन यूज इट, कोई भी इसे यूज कर सकता है। इसके अंदर विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, उसका एक डेरिवेटिव होता है इनफैक्ट,
रेटिनोइक एसिड, इसलिए एक्ने प्रोन जिनकी स्किन है वो इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड प्रॉब्लम्स है वो भी यूज कर सकते हैं। एक्ने के मार्क्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो रेटिनोइक एसिड होता है वो स्किन का टर्नओवर रेट बढ़ाता है, जिससे कि न्यू स्किन फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाती है, नई फ्रेश स्किन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, पुरानी स्किन एक्सफोलिएट होती रहती है, बिकॉज रोजहिप सीड ऑयल एक्सफोलिएट भी करता है स्किन को। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होती है और लाइकोपीन होते हैं, ये एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करते हैं। टैनिंग हो, पोस्ट पिंपल मार्क हो या डलनेस हो, ये उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इसके अंदर लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड होते हैं, जो कि आपके सेल वॉल रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जब सेल वॉल रिपेयर हो जाएगी, स्किन का बैरियर मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी वजह से स्किन के अंदर वाटर रुकेगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो वो लॉक कर सकती है वाटर को स्किन। दैट इज वाई इट गिव्स वेरी गुड हाइड्रेशन टू द स्किन, सॉफ्ट स्मूथ एंड पल्पी स्किन। एक एंजाइम होता है MMP1 एंजाइम, ये एंजाइम कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है। कोलेजन जो फाइबर है हमारे स्किन में, जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो एजिंग फास्ट होती है, फाइन लाइन रिंकल्स आ जाती हैं। तो रोजहिप ऑयल MMP1 इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप कोलेजन जल्दी नहीं ब्रेक होता है, इसका मतलब एजिंग थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाती है, फाइन लाइन और रिंकल्स कंट्रोल हो जाती है। तो देखिए कितने सारे इसके फायदे हैं रोजहिप सीड ऑयल के, और इवन पीपल विद सेंसिटिव स्किन कैन डेफिनेटली यूज दिस, तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑयल की तरफ, दैट इज ग्रेप सीड ऑयल। ग्रेप सीड ऑयल की खास बात यह है कि इट इज रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई हाइड्रेशन हमारी स्किन में प्रोवाइड कराता है और मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो विटामिन ई की मात्रा इसमें बहुत सारी है, साथ साथ विटामिन सी और डी भी है। ग्रेप सीड ऑयल आल्सो इज अ वेरी लाइट वेट ऑयल और इसकी फ्रेग्रेंस, इवन आप लाइक एक मीटर दूर से भी इसकी फ्रेग्रेंस को आप समझ जाएंगे कि ग्रेप्स की स्मेल आ रही है कहीं से, एंड इट्स वेरी सूदिंग, वेरी इफेक्टिव। ग्रेप सीड ऑयल के अंदर प्रो एंथ्रोसाइनिडिन्स होते हैं, जो कि आपको सन डैमेज से भी बचाते हैं, फोटो एजिंग से, मतलब सन की वजह से जो एजिंग हो जाती है उससे भी बचाते हैं। इसके अंदर फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत अच्छी है, इसलिए स्किन को ये रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में है, इवन लिनोलिक एसिड भी है इसके अंदर, जो कि स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है और जो स्किन का जो मॉइस्चर है वो रिटेन करने में भी हेल्प करता है, साथ साथ एक्ने कंट्रोल में भी। देखिए ग्रेप सीड ऑयल एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देता है, एंटी फंगल इफेक्ट भी देता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं ग्रेप सीड ऑयल के, आपके स्किन को इवन विटामिन डी तक प्रोवाइड कराता है ये। इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेप सीड ऑयल आपके बालों में भी बहुत अच्छा काम करता है, एज ए लीव ऑन कंडीशनर आप बालों में लगा सकते हैं। एक हमारा वीडियो था हेयर केयर का, उसमें मैंने ग्रेप सीड ऑयल बताया भी था आपको कि आफ्टर टेकिंग बाथ यू कैन जस्ट अप्लाई इट एज अ लीव ऑन कंडीशनर, वो आपके बालों को भी बड़ा सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है। तो आपने देखा कि ये दोनों ऑयल हमें रियली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ ऑयल हैं जैसे कि हेम्प सीड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, फिर कभी उसके बारे में बताएंगे, बट फिलहाल जो बिगनर लोग हैं 2 ऑयल्स फ्रीली यूज कर सकते हैं और कुछ समय दीजिएगा, दे विल ब्रिंग ग्रेट चेंजेस इन योर स्किन। चलिए बात करते हैं उस एडवांस्ड टिप की जो मैं आपको देने वाला था। देखिए अगर आप लोगों को एक ग्लास ग्लोइंग स्किन चाहिए तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ अच्छी रखें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो ऑलवेज बाय 2 ऑयल्स। कभी भी आप एक ऑयल हमेशा मत लगाते रहिए, बिकॉज स्किन नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिशन, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, साथ में पॉलीफिनॉल्स भी चाहिए, बीटा कैरोटीन भी चाहिए, लाइकोपीन भी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर हम एक ही ऑयल को यूज करते रहेंगे तो उसमें एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें बस वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो स्किन को जो होना चाहिए, जो डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर पाएगी।
इसलिए हमें टू ऑयल्स यूज करने चाहिए, या तो हम ऑल्टरनेट डे यूज करें, एक दिन हम यूज करें ग्रेप सीड ऑयल, एक दिन रोज हिप सीड ऑयल, फिर ग्रेप सीड ऑयल, फिर रोज हिप सीड ऑयल, या फिर वन मंथ हम रोज हिप ऑयल यूज कर लें और नेक्स्ट मंथ हम ग्रेप सीड ऑयल यूज करें, जिससे कि स्किन को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे और स्किन ज्यादा हेल्दी नजर आएगी और आपको मिल सकती है एक ग्लास ग्लोइंग स्किन। उम्मीद करता हूं आप अपने स्किन केयर रूटीन में एक ऑयल डेफिनेटली लेके आएंगे और इसे यूज करेंगे, और यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।